कांग्रेस अपने कुनबे की किलाबंदी कर चुकी है, विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा चुका है, तो दूसरी ओर बिहार में सेंधमारी पॉलिटिक्स पर सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जोड़ तोड़ और सेंधमारी के आरोप लगा रही हैं। महादेव की शरण में कांग्रेस, फ्लोर टेस्ट से पहले जोड़ तोड़, सियासी पार्टियों की सेंधमारी पॉलिटिक्स। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार कांग्रेस के विधायक मल्लिकार्जुन महादेव की शरण में। श्री शैलम में दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस विधायकों की ये तस्वीरें देखी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का दावा है कि अगर जेडीयू की नजर कांग्रेस पर है तो कांग्रेस की भी नजर जेडीयू पर है। जवाब जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। हम लोगों की भी नजर जेडीयू पर है, 12 तारीख को पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई कमी नहीं है, सब विधायक इनका है, सब विधायक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर एनडीए फ्लोर टेस्ट को लेकर बेहद कॉन्फिडेंस में है। पूरी बहुमत हमारे साथ है और 12 तारीख को हम बहुमत हासिल करने जा करके हमारे साथ जदयू, भाजपा और हम और इंडिपेंडेंट, हम सब मिलकर 128 हमारी संख्या जा करके है। समझते हैं सही मैंडेट है, नेचुरल अलायंस है और ये 25 तक है, उसके बाद 25 के बाद फ्रेश मैंडेट मिलेगा, फिर भी हम लोग चुन के आएंगे, हम ही लोग के पास क्योंकि जनता का समर्थन है। 100% तो औपचारिकता है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। सियासी पार्टियों के बीच सेंधमारी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट के दिन पता चलेगा कि कौन क्रॉस वोटिंग करता है, किसके दावों में सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ीमी। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के एक अधिकारी पर विधायकों को फोन करने का आरोप लगा है। आरोप आरजेडी के विधायक विजय मंडल लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के अधिकारी फोन करके विधायकों पर दबाव बना रहे हैं, जिस पर सियासत गर्मा गई है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में एक दूसरे पर सेंधमारी का आरोप लग रहा है। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने तो नीतीश सरकार के एक अधिकारी पर बड़ा आरोप लगा दिया। बोले, फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए अधिकारी की ओर से विधायकों को फोन किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी के सभी विधायक एकजुट है। एक अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं जो लिस्ट बनाते हैं डीएसपी का, एसडीओ का और सीओ का, और मोटी रकम लेकर के पदस्थापित करते हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं, वहीं फोन कर रहे हैं हर जगह विधायकों को भी। आरजेडी विधायक के बयान पर अब सियासत भी शुरू। देखिए, इस बार नीतीश कुमार काफी कमजोर हो गए हैं। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के विधायक भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जेडीयू के विधायकों को हरा देगा। इसलिए इस बार फ्लोर पे नीतीश कुमार की सरकार को गिर जाने की पूरी संभावना है, इसलिए नीतीश कुमार जी दूसरे दल के विधायकों के संपर्क में हैं या अपने अधिकारियों से संपर्क करा रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं की अपनी दलील है, तो एनडीए के नेताओं का अपना दावा। देखिए, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी खास करके राष्ट्रीय जनता दल को यह पता चल गया कि एनडीए की बहुमत मिल गई है। बहुमत मिलता देख बौखलाहट में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, विधायक, सांसद सभी डरे हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। जब से सत्ता गई है तब से बौखलाए हुए हैं। सत्ता चली गई लेकिन सत्ता विलाप अभी तक बंद नहीं हुआ है। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि एनडीए सरकार के साथ बहुमत है। देखना होगा फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट,